Good afternoon, class. Today we are going to start new subject, that is Java programming. And in Java programming, we will discuss about introduction. तो बच्चों हम पहले जानेंगे कि जावा होता क्या है, है ना? जावा के कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे. देखिए, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो जावा का कॉन्सेप्ट क्या आया कि बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न जावा, लेट अस प्लग इनटू इट्स हिस्ट्री. इसकी हिस्ट्री को जानना आवश्यक है और देखना भी जरूरी है. हाउ द लैंग्वेज ओरिजिनेटेड, कैसे लैंग्वेज का रूपांतरण हुआ, कैसे शुरुआत हुआ. इन 1999 यानी 1990 में सन माइक्रो सिस्टम was conceived a project to develop the software for consumer electronic devices that could be controlled by the remote. And this project was called the Stealth Project, and but later its name was changed to Green Project. So, बच्चों हम लोगों ने जाना कि 1999 में ये जावा का प्रोजेक्ट लाया गया. तो यहाँ पे 99 में आप ध्यान देंगे, इस प्रोजेक्ट को लाने के पीछे का कंसेप्ट क्या था, एक ग्रीन प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था. किस प्रोजेक्ट पे बच्चों? ग्रीन प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था. हम लोग ध्यान देंगे एक ग्रीन प्रोजेक्ट लाने के पीछे क्या था, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए. ग्रीन प्रोजेक्ट जब जावा आया तो उस समय उसका पहला नाम क्या था, ग्रीन प्रोजेक्ट उसको दिया गया. आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट जावा का नाम क्या पड़ा, ओक. किस नाम से जाना गया है, ओक के नाम से जाना गया. बच्चों किस नाम से जाना गया है, ओक के नाम से जाना गया, ठीक है. जावा का पहला नाम क्या था, ओक नाम था. ओक क्या था, एक तरह की ट्री थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. लेकिन बेसिकली इसको डेवलप करने वाले कौन थे, सबसे बड़ा योगदान अगर हम लोग इन्हीं का अगर चर्चा करेंगे तो उनमें सबसे बड़ी भूमिका इनकी है, जो आपको इस फोटो में दिख रहा है. ये है आप जेम्स गॉसलिंग. इनका नाम क्या है बच्चों, इनको क्या नाम है इनका, जेम्स गॉसलिंग है ना. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये कौन है, जेम्स गॉसलिंग है. जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्टन अंडर द सुपरविजन ऑफ सन माइक्रो सिस्टम. जावा का जो जावा क्या था, ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम दिया गया था. ग्रीन प्रोजेक्ट से ओक आया, ओक से जावा कन्वर्ट हुआ. लेकिन ये सब डेवलपमेंट किसके अंतर्गत हुआ बच्चों, यह सन माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत डेवलपमेंट किया गया. सन माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सन माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत. सन माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत जावा को लाया गया, ठीक है. फिर दूसरी चीज क्या थी, सन माइक्रो सिस्टम के बाद बच्चों हम लोग क्या ध्यान देंगे कि इनको डेवलप करने में दो तीन लोगों का, माने आप एक कह सकते हैं पूरी टीम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है. इसमें सबसे अग्रणी और सबसे मुख्य भूमिका इनकी है, जेम्स गॉसलिंग की, जो आपके सामने फोटो दिख रहा है ना. फोटो उसी का दिखता है जिसका काम बहुत ज्यादा होता है. तो जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, सन माइक्रो सिस्टम और जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्टन अंडर द सुपरविजन ऑफ सन माइक्रो सिस्टम. तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि जेम्स गॉसलिंग और पैट्रिक नॉर्टन और उनकी टीम ने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, उन्होंने ग्रीन प्रोजेक्ट पे काम किया. और ये ग्रीन प्रोजेक्ट का नाम बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्रीन प्रोजेक्ट कब आया था बच्चों, 1999 में. कब आया, 1990 में. और ओक जो आया था कब आया था बच्चों, 1995 में, 1995 में. आफ्टर रीनेम हुआ, रीनेम होके इसको लाया गया और दैट विल बी रीनेम इज जावा. तब उसका नाम क्या पड़ गया, यहाँ पे जावा नाम पड़ गया. क्लियर है. तो हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें देखी और इसमें सबसे बड़ी एक चीज और बचा हुआ है. ये देखिए यहाँ टी और कॉफी की तरह आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों, है ना. देखिए ये टी जो कॉफी डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको जरा बहुत ही महत्वपूर्ण से समझिएगा. देखिए जब कोई चीज डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट के दौरान अगर किसी चीज का योगदान सबसे ज्यादा हो तो उसका नाम भी होना तय होता है. तो ये कॉफी ट्री जो है, इसका योगदान, इसके योगदान आप कह सकते हैं बहुत बड़ा है. क्यों? क्योंकि जेम्स गॉसलिंग ने कहा और उनकी टीम ने कहा कि शायद यह कॉफी और टी नहीं रहता तो हम जावा को डेवलप नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि कई रात, कई घंटे, कई दिनों तक अपने आप को फ्रेशनेस रखना,
अपने आप को दिन रात कोडिंग करते रहना, डेवलपमेंट के बारे में, जावा के बारे में सोचते रहना, जावा प्रोग्रामिंग कैसे डेवलप होगा, जावा के क्या कंसेप्ट मैकेनिज्म लगाने चाहिए, जावा की कोडिंग क्या होनी चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि जो कॉफी और टी जो है हमें कभी मतलब एक टैड आप कह सकते हैं कि कभी थकावट जो है कभी यह फील नहीं होने दिया इनको। इसलिए इन्होंने कहा, जेम्स गॉसलिंग ने, कि नहीं, मैं जावा के साथ इस लोगो को जरूर दूंगा। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि जावा का लोगो या टी या कॉफी क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर जावा का डेवलप हो रहा था उस समय इसकी बार बार चाय कॉफी का यूज कंज्यूम किया जा रहा था जेम्स गॉसलिंग और पैट्रिक नॉर्टन उनकी टीम के द्वारा। इस कारण से उन्होंने कहा कि इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके योगदान की इतनी अग्रिम भूमिका है कि हमको इसका नाम दे ही देना चाहिए। जब तक जावा रहेगा तब तक यह लोगो आप देखेंगे ही, है ना, तो इसलिए इसका नाम करा। अब हम लोग आते हैं इसकी हिस्ट्री पे, थोड़ा चल रहे हैं। देखिए, इन जनवरी ऑफ 1991 बिल जोआ, जेम्स गॉसलिंग, माइक सेरेडेन, पैट्रिक नॉर्टन एंड सेवरल अदर्स मीट्स इन एस्पेन कोलोराडो टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम, बहुत सारी टीम थी जिसमें माइक सेरेडेन थे, पैट्रिक नॉर्टन थे, बिल जॉय थे, ये लोग एक जगह है, एक जगह का नाम था एस्पेन, है ना, एस्पेन जगह में उन्होंने आपस में मिला, उन्होंने डिस्कस किया आपस में कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहिए, है ना। तो माइक सेरेडेन ने क्या किया, वाज टू फोकस ऑन द बिजनेस डेवलपमेंट एंड पैट्रिक नॉर्टन वाज टू बिगिन टू वर्क ऑन द ग्राफिक सिस्टम। माइक सेरेडेन का काम किस पे दिया गया, जैसे जब टीम बनती है ना बच्चों, तो हर का एक असाइनमेंट दिया जाता है, तो माइक सेरेडेन को किस पे असाइनमेंट दिया गया था, डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। और बच्चों, पैट्रिक नॉर्टन को किस काम के लिए दिया गया था, ग्राफिक सिस्टम को कहा डेवलप करने के लिए। पैट्रिक नॉर्टन को किस पे डेवलप करने के लिए दिया गया था, ग्राफिक सिस्टम पे। और जेम्स गॉसलिंग को बच्चों किस पे दिया गया, प्रोग्रामिंग। जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को डेवलप किया। यानी कि हम लोग कहेंगे कि तीन की भूमिका बहुत बड़ी है, किसमें, जावा के में। पहली भूमिका किसकी है, माइक सेरेडेन का, जिनका काम क्या था बच्चों, बिजनेस के डेवलपमेंट करना। पैट्रिक नॉर्टन का काम क्या था, जावा का ग्राफिक सिस्टम डेवलप करना। जेम्स गॉसलिंग का काम क्या था, उनका एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करना, है ना। और जेम्स गॉसलिंग ने जब जावा को डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के भी कॉन्सेप्ट को लाएंगे, ताकि जो फैमिलियर हो या पहले से सी सी प्लस जान रहे हो उनके लिए आसान तो हो ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जावा कोई अगर न्यू कमर, यानी कि न्यू एक कोई सीखना चाहते हैं तो भी आसानी से सीख पाए। तो जेम्स गॉसलिंग ने इन सारे चीजों को भी, थॉट्स को विचार किया। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, लेकिन प्रॉब्लम तो है, हर जगह में प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम है ना। बट द प्रॉब्लम ही फेस्ड विथ देम इज दैट दे वेयर सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज एंड हेंस कुड नॉट बी यूज्ड ऑन द वेरियस प्रोसेसर्स and which the electronic devices might use, so he started developing a new language which was completely system independent, and this language was initially called the Oak. Since this name was registered by some other company and later it was changed to Java. तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि उन्होंने विचार किया, जेम्स गॉसलिंग, माइक सेरेडेन, पैट्रिक नॉर्टन और उसकी टीम ने, कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी वो किसी भी सिस्टम पे डेवलप नहीं करे। अर्थात बच्चों, जावा का एक स्लोगन है, जैसे आप लोग देखते होंगे अभी यूपी में स्लोगन कोटेशन चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी बहुत उपयोगी, वैसे ही जावा का एक कॉन्सेप्ट है, राइट वंस रन एवरीवेयर, है ना। तो जावा उस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि नहीं। जावा का स्लोगन क्या है, कोटेशन क्या है, राइट डाउन लिखेंगे, राइट वंस, लिखिए एक बार, राइट वंस, वंस रन एवरीवेयर, यस या नो, एवरीवेयर। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, राइट वंस रन एवरीवेयर, एक इसका कोटेशन है, टैगलाइन किसका है,
जावा के हैं। रन एवरीवेयर इन द सेंस क्या हुआ, जावा के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म, जावा सपोज मान लीजिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे किस किस प्लेटफॉर्म पे इसको हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। राइट वंस रन एवरीवेयर, ठीक है। अब देखिए जावा के लिए अगर हम बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट विंडोज, इसको ग्रुप में सेंड करते चलेंगे। अब देखिए विंडोज हो, विंडोज तो हम डायरेक्ट बच्चों शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे आप समझ जाएंगे, विंडोज, विंडोज, विंडोज हो, या आप कह सकते हैं यूनिक्स हो, यूनिक्स, या यू कैन स्पीक लिनक्स, लिनक्स, या यू कैन स्पीक मैक, यू कैन स्पीक एप्पल, यू कैन मैन यू कैन दैट मीन्स की एप्पल आईओएस किसी बने दैट मीन इट इज एंड लास्ट इज इट इज। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जावा जैसे अभी सी सी प्लस सी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, सी का कोड को सिर्फ आप विंडोज में ही करा सकते थे, लेकिन जावा के साथ बच्चों ऐसा संभव नहीं है। जावा का कोड किस पे कंपाइल कर सकता है, रन कर सकता है, आप एक जगह कोड लिख लिए हो विंडोज पे भी कंपाइल कर सकता है इजिली। सेकेंड किस पे कर सकते हैं बच्चों बताइए जल्दी से, डूफा यूनिक्स पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट किस पे कर सकता है, लिनक्स पे भी कर सकता है। नेक्स्ट किस पे कर सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी कर सकता है, एप्पल पे भी कर सकता है, इटीसी किसी भी लैंग्वेजेस पे ये सारे कर सकते हैं। यस या नो, तो आपने समझा ना, जैसे अभी मैंने आपको कहा मोदी है तो मुमकिन है, अब कितना मुमकिन है वो तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन एक टैग लाइन चला हुआ है ना, उस ठीक उसी तरह से जावा का क्या है, राइट वंस रन एवरीवेयर, लिखिए एक बार कंपाइल कराइए रन कराइए कहीं पे भी, एक बार कोड को लिख लीजिए, कोडिंग एक बार कीजिए, आप कंपाइल और रन किसी पे जाके कर लीजिए, चाहे वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स हो, मैक हो, एप्पल हो, एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों हो सकते हैं, है ना, ए राइट वंस रन एवरीवेयर के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे। अब आपको मैंने पहले ही चर्चा किया था कि जावा का पहला नाम क्या था, ओक था, ओक एक तरह का ट्री था, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस थोड़ा जानेंगे। अब क्या है, कब जावा का नाम, जावा कब अपना रीनेम जावा हुआ, तो आप कह सकते हैं यू कैन स्पीक के आफ्टर 1994 के बाद, 1995 के बाद जावा का नाम रीनेम हो गया, ओक से बन के जावा के रूप में कन्वर्ट हो गया। देखिए जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम मेंबर्स वी आर कंज्यूमिंग, मैंने पहले आप बताया दिया है टी कॉफीज के बारे में कि जावा के साथ टी सिंबल क्यों यूज करते हैं। जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम मेंबर्स वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ द टी व्हाइल डेवलपिंग दिस लैंग्वेज एंड दे फेल्ट दैट दे वर एबल टू डेवलप अ बेटर लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ टी दे हैड कंज्यूम्ड, सो द टी कॉफी ऑल्सो हैड इट्स ऑन रोल इन डेवलपिंग दिस लैंग्वेज एंड हिंस दे फिक्स्ड द name for the language as Java, thus the symbol for Java is a teacup and saucers. Yes, you know, and James Gosling was born on May 1955. James Gosling का जन्म 19 मई 1955 को हुआ। James Gosling ने bachelor's degree ली University of Calgary and PhD उन्होंने Carnegie Mellon University से किया। उन्हें मल्टी प्रोसेसर वर्जन पे काम किया है, बहुत सारे सेक्शन पे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर थे, कैरिज मेलन यूनिवर्सिटी, उन सारे चीजों पे काम किया, यानी कि इनके बारे में है कि जेम्स गॉसलिंग ने क्या क्या चीजें की है, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं जावा जब आया तो उस समय 1994 में नॉर्टन, पैट्रिक नॉर्टन एंड पैंस ने एक वेब रनर जावा बेस्ड वेब ब्राउजर लाया, जिसका नाम रखा गया हॉट जावा, ठीक है बच्चों। यानी कि जैसे आज आप देखते हैं ना इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो जावा का अपना एक वेब ब्राउजर था जिसका नाम क्या था बच्चों, हॉट जावा था, जिसे हम लोग वेब रनर और ए बेस्ड जावा भी जानते थे, ठीक है। 1994 में आया एंड हॉट जावा वॉज स्टेबल एंड वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड टू सन द एग्जीक्यूटिव। हॉट जावा वॉज द फर्स्ट ब्राउजर
having the capability of executing the applets in which we have a program designed to run dynamically on the internet, and this time the Java potential in the context of the World Wide Web was recognized, and Sun Microsystems formally announced the Java and Hot Java at the Sun World Conference in 1995, and soon after the Netscape Enclosures announced that it be incorporated the Java support in its browser, Netscape Navigators. Later, the Microsoft also announced that they would support in Java in the Internet Explorer, web browsers, further solidifying Java's role and worldwide. So here, बच्चों हुआ क्या? इस सारे कहानी का मतलब क्या है? जैसे आज आप web browser, जैसे आप लोग जानते हैं Google Chrome है ना बच्चों? Google Chrome किसका product है? आज आप देखते हैं ना Google Chrome किसका है? गूगल कंपनी का है ना बच्चों? इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल कंपनी का है। गूगल क्रोम बच्चों किस चीज का है? गूगल कंपनी का है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक उसी तरह एक और था जिसका नाम था, आप लोगों को मैंने बताया ही है, पहले चर्चा किया है, जिसका नाम क्या था बच्चों? नेटस्केप, हॉट जावा वेब ब्राउजर था, हॉट जावा या फिर नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर, नेविगेटर। ये बच्चों किसके, कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था? सन माइक्रोसिस्टम ने। ठीक है, सन माइक्रोसिस्टम ने। अब तो ये सारी चीज ओरेकल डेवलप हो गया, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी कि सब मर्ज कैसे हो गया है, उसकी भी चर्चा में करूंगा यहाँ पे। तो बच्चों आपने समझा यहाँ पे कि ये वेब ब्राउजर का कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे आज गूगल क्रोम है गूगल कंपनी का, इंटरनेट एक्सप्लोरर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ठीक उसी तरह से बच्चों हॉट जावा नेटस्केप नेविगेटर किसकी थी? सन माइक्रोसिस्टम का है। आज सन माइक्रोसिस्टम कंपनी किसमें मर्ज हो गया है? ओरेकल कंपनी के साथ मर्ज हो गया। आपने ओरेकल का नाम सुना होगा बच्चों, है ना? ये आज सन माइक्रोसिस्टम यानी जावा आज किसके साथ, जावा में कुछ भी तरह का अगर डेवलपमेंट होता है या किसी भी तरह के इनोवेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो वो सब कौन कर रहा है? ओरेकल कर रहा है। कौन कंपनी कर रही है? ओरेकल कंपनी। यानी कि अब सन माइक्रोसिस्टम नहीं है, अब सन माइक्रोसिस्टम की जगह पर बच्चों क्या है? ओरेकल कंपनी है। ओरेकल कंपनी क्या हो गई है? सन माइक्रोसिस्टम के साथ मर्ज हो गई है। यानी कि सन माइक्रोसिस्टम कंपनी आप कह सकते हैं इसके साथ मर्ज होके ये सारे चीज जावा पे वर्कआउट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको सेंड कर देंगे। अब हम लोग यहाँ तक काफी हद तक इन सारी चीजों को जानने का प्रयास किया, प्रयत्न भी किया कि सारी चीजें होते हैं। जैसे अपना अपना हर कंपनी का अपना एक वेब ब्राउजर होता है, फायरफॉक्स का मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा का अपना है, सबका अपना अपना एक वेब ब्राउजर है। इसी तरह सन माइक्रोसिस्टम जावा का भी एक अपना वेब ब्राउजर है, दैट इज कॉल्ड द नेटस्केप नेविगेटर, जिसको हम हॉट जावा के नाम से भी जानते हैं। अगर एप्लेट्स का आप प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं, कंपाइल कराना चाहते हैं, तो बच्चों आपको इस वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत? यानी हॉट जावा या नेटस्केप नेविगेटर पहले था, अब तो लेटेस्ट आ चुके हैं वेब ब्राउजर्स जो आप देखेंगे, हम लोग के फर्दर आगे कंटेक्स्ट में आएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑन जनवरी 23 जनवरी 1996 यानी 23 जनवरी 1996 का जो समय था, जो काल थे, उस समय जावा को लाया गया, यानी जावा का नाम रिनेम हुआ और जावा एक पैकेज के रूप में आने लगा बच्चों। किसके रूप में आया बच्चों? यहाँ पे पैकेज के रूप में। पैकेज क्या होता है? पैकेज को बताएंगे, पैकेज होता है एक तरह का, जैसे आप जानते होंगे ना क्रिकेट खेलने जाते हैं तो एक किट लेते हैं, या आप जिम करने जाते होंगे बच्चों तो आप एक किट करने वाला अपना किट लेके चलते हैं, इसमें सारी चीजें होते हैं आपके जिम से आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक उसी तरह जावा का भी अपना एक किट था, जिसका नाम क्या था बच्चों? JDK। क्या नाम था उसका? JDK। JDK का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। व्हाट वी विल स्पीक? JDK, जावा डेवलपमेंट किट। इस किट में क्या क्या होते थे बच्चों? अगर आप इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं, आप पैकेज डिफाइन करना चाहते हैं, या आप यानी कि जावा से रिलेटेड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात किसी भी तरह का पैकेज को कॉल करना, इनपुट आउटपुट करना,
या एप्लेट्स का प्रोग्राम को कंपाइल कराना, रन कराना, वो सारी गतिविधि और एक्टिविटी आप किसके अंतर्गत करते हैं? इस जेडीके के अंतर्गत करते हैं। जेडीके के अंतर्गत ही जावा का कंपाइलर भी है, जेडीके के अंतर्गत ही एप्लेट्स हैं, जेडीके के अंतर्गत ही इनपुट आउटपुट है, जेडीके के अंतर्गत ही बच्चों यूटीएल का पैकेज है, जेडीके के अंतर्गत ही बच्चों आयो पैकेज है, जेडीके के अंतर्गत ही बच्चों, यानी आप एक चीज ही बात समझिए ना, एक किट है, किट में वो सारी चीज है। यानी जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट, जिसमें वो सारी चीजें इसके अंतर्गत रहती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहां तक भी समझ गए होंगे। अब हम लोग जरा इसके आगे के कंसेप्ट को समझेंगे। तो कल हम लोग जानेंगे इसके प्रोडक्ट में कि जावा का फीचर्स क्या है, जावा कैसे वर्क करता है, जावा के फीचर्स के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।